असली दोस्तों साथियों बुजुर्ग और बहनों नाजरीनों स्वामी आपकी मेरा आदाब। अक्सर अवकात आप लोग या मैं शादी हाल में जाते हैं, शादी के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनमें हाजिर लगवाते हैं या वो फंक्शन बाकायदा तौर पर हमारी मजबूरी या जरूरियात जिंदगी होती है उनमें हाजिर होना वो लाजमी होता है। क्या कभी आपने सोचा जब आप शादी हाल में जाते हैं या मैरिज हाल में जाते हैं तो वहां पर जो लगी कुर्सी होती है जो चार दो तरफ हमें नजर आ रही है, क्या कभी आपने सोचा है कि उन पर बैठने वाले और उन कुर्सियों के मापन फर्क क्या है? अगर आपने नहीं जाना तो आज उन पर बैठने वालों का और उन कुर्सियों के मापन एक फर्क जानेंगे जो नहायत थोड़ा सा आपको नजर आता, लेकिन उसका जो पस मतलब वो नहायत ही गहरा और मौजूद हमारी सूरत हाल की वो अकासी भी करता है। यानी हमारा जो आज का मौजूद है शादी हाल में लगी कुर्सियां हैं, हम आज उनका कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, यानी उन कुर्सियों का और कुर्सियों पर बैठने वालों का कि उनमें क्या फर्क है, किस तरह का। यानी आम तौर पर ये चीज आप जानते होंगे, आपने देखा होगा अक्सर शादी हाल में भी आप गए, आपने प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं और अटेंड आप करते भी हैं, तो वहां पर आपको अक्सर औकात जो टेबल लगे होते हैं, मेज लगे होते हैं, उनके इर्द गिर्द कुर्सियां नजर आती है, वो दायरे की सूरत में होती है या मुरब्बा की सूरत या मुस्तकील की सूरत में, वो किसी भी सूरत में आप उनको देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा उन कुर्सियों के बारे में कि इन पर बैठने वालों का और इनके मबैन क्या फर्क है? अगर नहीं जाना तो हम अभी इसको देखते हैं कि अक्सर औकात उन पर जो खवातीन बैठती है, यानी कुर्सी के ऊपर उनका खवातीन का बैठना, उनके लिबास और कुर्सी के लिबास के मबैन क्या आपने कभी फर्क जाना है, क्या उनके मबैन को फर्क आपने महसूस किया नहीं किया? तो एक फर्क वाजिया है। यानी आजकल शादी हाल में लगी हुई कुर्सियां क्या है, वो शादी हाल में आई खवातीन से ज्यादा बाप पर्दा और खूबसूरत और मुहज़्ज़ब नजर आती है, जो एक तलख हकीकत भी है। यानी मजबूरी तौर पर हमें उस कुर्सी के और कुर्सी पर बैठने वाली खवातीन के मबैन उनके लिबास उनके मुहज़्ज़ब और बाप पर्दा होने में एक वाज़ह फर्क नजर आता है, जो कि आज के मौशे की एक तलख हकीकत भी है, जो आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। अजीज दोस्तों साथियों, ये एक तलख हकीकत है, हमें इस पर गौर करना होगा, हमें इस पर क्या ध्यान ज्ञान करना होगा और इसका कंपैरिजन करके इसको अमली जाके क्या है वो अच्छाई और बुराई के तबादले से वो करना भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक को जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।